आइलैंड रे एमती एक रहस्यमय जगार सन्धान मिली जहाक देखि समस्ते आश्चर्य हो जाती। थाइलैंड हंगलांग ठारे एमती एक पत्थर सन्धान मिली जहार आकृति एक विशालकाय साप पर देखाऊँगी। पत्थर को देखला परे आपण आश्चर्य होइजिबे। यही पत्थर देखिले एमती लगे जेपरी एक विशालकाय साप पत्थर रे परिणत हो जाइछि। भारतीय किंवदंती तथा अन्यान्य किंवदंती मानकरे नाग मानक विषय वर्णना करा जाइछि। तेबे एहिपरी पत्थर मिलिबा केउठी ना केउठी नाग लोक थिबार प्रमाण उपरे आहुरी संदेह बढ़ाई देइछि। तेबे एठाकर स्थानीय लोक माने एहाको उल्लू नामक एक अभिशप्त राजा सहित जोड़ी थांती। एहा छड़ा एहा मध्य मानि थांती कि एही साप गोटिए दिन पुणी जीवित हो उठिब। तेबे चलंतु जानिबा सेही अभिशप्त राजा उल्लूंक विषय रे जहाँ सहित एही सापर कहानी जोड़ा हो रही। भिडियो आरंभ करिबा आगरु जदि आपण आम चैनल नुआ अछन्ति तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करि बेल आइकन को ऑन करि दियंतु जहाँ फळरे आमर प्रत्येक भिडियोर नोटिफिकेशन आपण को मिल पार। अनेक दिन तलर कथा यही घटना खंगलंग ह्रद निकटर अटे जहाँ बुईंग खंगलंग जिलार अटे जहाँ वर्तमान थाइलैंड रे अछि। सेही समय रे एही जगार नाम रात्मा नाकेन थिला एवं एठाकर राजा का नाम उल्लू थिला। राजा उल्लू को पत्नी का नाम गेबेन गल्या एवं झीर नाम क्यूकम थिला। क्यूकम रो विवाह संपिता नामक व्यक्ति सह होइथिला एवं तार एक बुद्धिमान पुओ जन्म हैला जहार नाम फाउंग थिला। गोटे दिन फाउंग रो साक्षात एक सुंदरी राणी नाक्रांत सहित होइथिला जहाक देखि फाउंग ताकु भल पाई बसिथिला। एहा परे फाउंग नाक्रांतर राणी सामनारे बिवाहर प्रस्ताव रखिथिला। तेबे नाक्रांतर राणी चिंतारे पड़िगले कारण से मनीष नथिला जणे इच्छाधारी नागुणी जिकि फाउंग को आकर्षित करिबा पई सुंदर युवतीर बेश धारण करिथिला। एही समस्यार समाधान पई नाक्रांतर राणी नागलोक को जाइथिला एवं निज प्रेम सम्बन्धरे निज पितांकु कहिथिला जिकि नागलोकर राजा थिले। एक मनुष्य सहित बिवाहर कथा शुणि नागलोकर राजा चिंतित हो पड़िले। राजा निज झियो को बहुत भल पाउथिले तेणु अनिच्छा सत्ते मध्य झियोर जीत आगे राजी हो जाइथिले। एहा परे नाकांत एवं फाउंगर बिवाह पई एक समारोहर आयोजन करा जाइथिला जहां सात दिन जाए चलीथिला। फाउंग को आदौ जणा नथिला जे नाक्रांतर राणी एक नागकन्या अटे। बिवाहर तीन वर्ष जाए सबकिछि ठीक चलिला हेले से पर्यंत सेमानक कौनसी संतान होइनथिला। एही चिंतारे नाक्रांतर राणी धीरे धीरे असुस्थ हेबाकु लागिले। या परे से पुणि थरे नागलोक को फेरी जिबार निष्पत्ति नेइथिले। एही समय रे एक चाकराणी नाक्रांतर राणी को मणिषरु साप हेबार देखि नेइथिला। एही दृश्य देखि सेही चाकराणी भयभीत होई सेठारु चली जाइथिला। एहापरे एही खबर चारिआडे प्रचार होइगला। एही कथा शुणि समस्ते बहुत मन दुख कले। एहापरे नाक्रांतर राणी पुणि मनुष्य जोनि को फेरिबाकु चाहिथिले हेले से आउ फेरि पारि नथिले। एहापरे राजा उल्लू नागलोकर राजा को एक चिठी लिखिथिले एवं कहिले से आसी एठारु साप होइजाइथिबा तांको झियो को नै जांतु। एहापरे नागलोकर राजा सेठाकु आसीथिले एवं झियोर एपरी अवस्था देखि बहुत रागी जाइथिले एवं से झियो को सांगरे नै फेरिगले। जीवा पूर्वरु कहिगले कि से निज सेना नै आसिबे आउ तांको राज्य को ध्वंस करि देबे। एहा परे से निज सेना नै आसिले एवं राज्यर समस्त लोकक हत्या करि देथिले। एहा परे सेही राज्य जलमग्न होइगला जहाक आज खंगलांग ह्रद कहुछि। नागलोकर राजा उल्लू को एक अभिशाप देई पत्थरर सापरे परिणत करिदेले एवं कहिथिले उल्लू से पर्यंत मनुष्य होइ पारिबे नाही जे पर्यंत खंगलांग ह्रद न सुखि जाइछि। सेही दिन ठारु उल्लू राजा मणिषरु साप होइ पत्थर पलटि जाइछन्ति। एठाकर लोकक कहिबा अनुसारे एमिति एक दिन आसिब जेउ दिन एही ह्रदर प्राणी संपूर्ण सुखि जिव एवं राजा उल्लू सापरु पुणि मनुष्य होइजिबे। आज पई बस एतिकि। भिडियो केमिति लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखिबाकु भूलिबेनि एवं एही परि भिडियो पई आम चैनल को सब्सक्राइब करिबाकु मध्य भूलिबेनि।